नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिंगला बर्तन में। आज आपसे बहुत ही दिनों के बाद मिलना हो रहा है। आज की वीडियो में जैसे कि आपके फेसबुक इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि ब्रास के चपाती तवे के बारे में हमें और डिटेल में बताइए, तो ख़ास आपकी डिमांड के ऊपर आज की वीडियो में ब्रास चपाती तवे के बारे में डिटेलिंग में बताएंगे आपको, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो मैं आपको तवे के स्पेसिफिकेशंस के बारे में सारा बता दूं। पहले तो जो तवा है ये राउंड शेप में है जैसे हमको दिख ही रहा है, और ये कॉनकेव शेप में है। कॉनकेव का मतलब इसका जो अंदर वाला जो भाग है ये बाहर वाले भाग से अंदर को झुका हुआ है, जैसे कि हमारी जो आँख की पुतली होती है उस प्रकार से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे ही हम इसमें कोई भी चीज़ डालेंगे ऑयल वगैरह तो अपने आप वो सेंटर में आ जाएगा। जैसे मैं आपको डाल के बता देता हूँ, जैसे हमने यहाँ से डाला और ये अपने आप इसके सेंटर में बीच में ये वाला पार्ट आ गया। जैसे कि आप इसमें दे सकते हैं, इसमें आपको हैमर का वर्क मिला हुआ मिल जाएगा। जैसे इसमें सारे जो डॉट लगे हुए हैं ये हाथ से कारीगर डालते हैं ताकि ये देखने में तवा और सुंदर लग सके। इसका जो डायमीटर है तवे का, अगर हम इसको यहाँ से यहाँ अगर नापेंगे, जैसे हम इसको यहाँ से यहाँ नाप रहे हैं, तो इसका जो डायमीटर है वो 10 इंच बनता है, जो कि हमारे इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, चपाती के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है और आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो तवे का वज़न है वो 1 किलो 100 ग्राम से लेके 1 किलो 200 ग्राम के बीच में है, जो कि इंडियन तवे के हिसाब से बिल्कुल आइडल है। ना तवे का वज़न ज़्यादा है ना बिल्कुल कम है। आप डेली रूटीन में जैसे इसको इस्तेमाल करोगे चपाती बनाने के लिए, परौंठा बनाने के लिए, डोसा ढोकला बनाने के लिए, तो आपको इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके हैंडल के बारे में। इसका जो हैंडल है वो स्टील में है ये वाला। इसमें आपको इसके ऊपर पीवीसी की लेयरिंग की हुई मिल जाएगी। ये पीवीसी है, इसका बेनिफिट ये है, एक तो गिरने से ये टूटेगा नहीं बिल्कुल भी, और ये गर्म नहीं होता। जैसे आप इसको पकड़ोगे आपको कोई भी गर्म महसूस नहीं होगा। और इसके पीछे आपको एक हुक मिल जाएगा। हुक का बेनिफिट ये है, जैसे कि हम इसको कई दीवार पे हैंग कर देते हैं, कहीं टांगना हो तो इसको हुक पे जैसे टांग भी सकते हैं, आपका ये तवा ऐसे खड़ा हो जाएगा। और इसके साथ में ही आपको इसकी जो रिपटिंग आपको मिल जाएगी, हैंडल को खड़ाने के लिए जो रिपटिंग की हुई है वो भी ब्रास में की हुई है। और जो पीवीसी का जो पार्ट है ये काफ़ी अच्छा है, मेन जिसका आपका चाहे हाथ मोटा है पतला है, और ये अच्छे तरीके से आपके हैंड में फिट हो जाएगा, आपको किसी प्रकार की स्वेटिंग की दिक्कत नहीं आएगी। और नीचे से बिल्कुल ये पीछे से अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल ये सारा का सारा प्लेन है, इसमें किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं है, ये टोटली नीचे से प्लेन छोड़ा हुआ है, ताजो ये फ्लेम के आगे के ऊपर ही रहेगा ये वाला पार्ट, तो इसमें किसी प्रकार की मीनाकारी की जरूरत नहीं थी, इसलिए ये टोटली प्लेन छोड़ा हुआ है। ब्रास तवे का इस्तेमाल हम चपाती बनाने के लिए, परौंठे बनाने के लिए, डोसा बनाने के लिए, चिल्ला बनाने के लिए, ऑमलेट बनाने के लिए, और भी अन्य प्रकार की खाने वाली सामग्री बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। ब्रास तवे के ऊपर कलाई की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम इसको बिना कलाई के इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अगर आपकी इच्छा है कलाई करवाने की तो आप इसके ऊपर कलाई करवा सकते हैं। तो अभी हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमको पता है कि ये ब्रास तवा है, ब्रास की ये स्पेशलिटी होती है कि अगर इसको हम कंपेयर करें दूसरे चपाती तवों से, जैसे कि लोहे का चपाती तवा या एल्यूमिनियम का या नॉनस्टिक चपाती तवा, तो ब्रास अदर मेटल से जल्दी गर्म होता है और इसमें जो हीट है वो लंबे समय के लिए रिटेन रहती है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी गैस की कंजप्शन ब्रास के तवे में कम होगी, और इसके साथ में आपको बेनिफिट मिलेगा कि जो भी हम खाने के इंग्रेडिएंट ब्रास तवे के ऊपर डालेंगे तो इन इंग्रेडिएंट्स की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ब्रास उसको इन्हांस करता है। मींस अगर उसकी वैल्यू 10 है तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर लीजिए, 50 टाइम्स आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा ब्रास के तवे को यूज़ करने का। अभी हम बात कर लेते हैं इसके रख रखाव की। जैसे कि हम और तवे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लोहे का, एल्युमिनियम का, स्टील का, वैसे ही हमें इसको यूज़ में करना है।
इसको धोने के लिए हम कोई भी राख, विम साबुन या लिक्विड सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम बाकी तवों को धोते हैं वैसे ही हम इसको वॉश कर लेना है। धोने के बाद दोबारा हम इसको डेली इस्तेमाल में ले सकते हैं। जो ब्रास है ये हमारी मेंटल, हार्ट और हमारा पेट तीनों को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। मैं आपको बता दूं, जो ब्रास हम तवा बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो 100% प्योर है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, 100% शुद्ध पित्तल का ये बना हुआ तवा। तो ब्रास का तवा खरीदने के लिए आप हमारे नीचे दिए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिलीवरी नेशनल और इंटरनेशनल करवाते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है हमारे सेल्स पर्सन वो आपकी पूरी करेंगे। आपको विद इन अ टाइम और सही प्रोडक्ट आपके घर तक आपका पहुंच जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नीचे कमेंट करके हमें सुझाव दीजिएगा और हमारे जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो पेज हैं उसको फॉलो ज़रूर कर लीजिए। हमारी नई से नई अपडेट उसके ऊपर आती रहती है। हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।